Hello students, let's see this question. A card sheet divided into squares, each of size 1 mm square, is being viewed at a distance 9 cm through a magnifying glass. A converging lens of focal length 10 cm held close to the eye. What is the magnification produced by the lens? How much is the area of each square in the virtual image? इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हम लोग एक एक करके पार्ट को सॉल्व करते हैं. So, पहले पार्ट के अंदर आपके पास कुछ ऐसा है कि आपके पास एक कार्ड शीट है, उसको डिवाइड किया आपने स्क्वायर्स में जिसका साइज है 1 mm स्क्वायर एंड हम उसको देख रहे हैं 9 cm से थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस है एंड उस लेंस की आपको फोकल लेंथ गिवन है 10 cm. सो आपको पूछ क्या रहा है दैट इज व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस. ये जो लेंस है वो कितनी मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा इस शीट की कार्डबोर्ड पर हमने जो स्क्वायर देखा उसकी कितनी मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा. सो अगर आपको डायग्राम के थ्रू देखें यहाँ पर तो कैसे दिखेगा कि आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है. सो दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस एंड इसकी फोकल लेंथ कितनी है दैट इज 10 cm. ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है एंड यहां से एक 9 cm डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है स्क्वायर की शीट लाइक दिस. ठीक है, कितने डिस्टेंस पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 cm एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 cm. क्लियर लाइक दिस. एंड इसका जो एरिया है वो कितना है दैट इज 1 mm स्क्वायर. इसका जो साइज है इसका जो एरिया है दैट इज 1 mm स्क्वायर. तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी इमेज कहां पर बनेगी. सो इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे वी विल यूज लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/v - 1/u = 1/f. नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा यू विल बी इक्वल टू -9 cm. फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 10 cm. कन्वर्जिंग लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. So we will get 1/v - 1/-9. This will be equal to 1/10. That means we will get 1/v. This will be equal to 1/10 - 1/9. LCM आ जाएगा 90. So अगर LCM 90 आएगा तो ये हो जाएगा 9 - 10 and this will be 1/v. तो यहां से v कितना आ जाएगा That is -90 cm. So इस शीट की जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी दैट इज -90 cm पर बनेगी. क्लियर. नाउ अगर ऐसा है तो अब यहां से मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं. सो मैग्निफिकेशन क्या होगी m दैट इज इक्वल टू माइनस का v बाई u. सॉरी लेंस है तो v बाई u आएगा सर दैट इज v बाई u. दिस इज v बाई u. नाउ v कितना है v इज -90 एंड u इज -9. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी दैट इज 10. क्लियर. तो इसकी 10 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनेगी. नाउ एक बात समझते हैं कि अगर इसका ये स्क्वायर है एंड इसका एरिया आपको 1 mm स्क्वायर दे रखा है तो इसकी मैं हाइट और इसकी विड्थ बता सकता हूं कि इसकी जो एरिया साइज इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होंगी वो क्या होंगी दैट इज 1 mm. सो यहां से मैं ये कह सकता हूं क्या एज एरिया इज 1 mm स्क्वायर. एरिया क्या है 1 mm स्क्वायर. तो इसकी जो साइड्स होंगी द साइड ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 mm. तभी तो एरिया कितना आएगा 1 mm स्क्वायर आएगा क्योंकि दोनों साइड क्या होती है सेम होती है स्क्वायर्स की. सो अगर मेरे पास हाइट है अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है तो क्या मैं इमेज की हाइट निकाल सकता हूं यहां से. सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू v बाय u जिसको हम लोग क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन एंड जो कि कितनी आई है 10. सो दैट मींस आई कैन राइट हाइट ऑफ इमेज दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10. तो यहां से आ जाएगा एच आई विल बी इक्वल टू 10 mm. सो आपके पास हाइट आ गई इमेज की कितनी दैट इज 10 mm. एंड अगर हाइट आ गई तो मैं एरिया निकाल सकता हूं. सो एरिया ऑफ इमेज दिस विल बी इक्वल टू 10 × 10 दैट इज 100 mm स्क्वायर. सो दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस इमेज. क्लियर. सेंटीमीटर में करना है तो कितना आ जाएगा दैट इज 1 cm स्क्वायर. क्लियर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द इमेज. क्लियर. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा था आपसे कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस निकाल चुके 10 आया. हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज और आपको इमेज का एरिया भी निकल चुका है. नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्निफाइंग पावर ऑफ द लेंस. अब आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछ रहा क्या होगा. सो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज थीटा कह देते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड थीटा. तो दिस इज इक्वल टू डी बाई यू. क्या होती है डी बाई यू एंड डी क्या होता है डी होता है आपका
मिनिमम डिस्टेंस जहां पर आपको क्लियर ऑब्जेक्ट क्लियर इमेज दिखाई देती है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड यू क्या होता है, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज 9, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.70 यानी कि आ जाएगा 6.78 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, तो थीटा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.78 के आसपास, तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, या फिर आप कह सकते हो उसको एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या कह सकते हो उसको, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्लियर, सो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफाइंग पावर. नेक्स्ट इज द मैग्निफिकेशन इन ए इक्वल टू द मैग्निफाइंग पावर इन बी. अब मैग्निफिकेशन जो ए पार्ट में आई थी वो कितनी आई थी, दैट इज 10, मैग्निफाइंग मैग्निफिकेशन कितनी आई थी 10 और मैग्निफाइंग पावर कितनी आ रही थी 2.78, सो दैट मींस जो सी पार्ट में पूछ रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो मैग्निफिकेशन इन पार्ट ए इज नॉट सेम एज मैग्निफाइंग पावर, इज नॉट सेम एज मैग्निफाइंग नॉट सेम एज मैग्निफाइंग पावर इन बी बिकॉज आपका जो मैग्निफिकेशन होता है उसको मेजर करते हैं हम लोग किससे, इमेज के डिस्टेंस से डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज मैग्निफिकेशन एम, दैट इज गिवन बाय वी बाय यू, जबकि आपका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है थीटा, दैट इज गिवन बाय डी बाय यू, क्लियर, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम तभी होंगे जब आपकी फाइनल इमेज जो बन रही है वो आपके डी पर बने, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, उसी केस में ऐसा पॉसिबल है कि आपकी मैग्निफिकेशन और मैग्निफाइंग पावर जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, नो दे आर नॉट सेम, क्योंकि अलग अलग आ रही है, एक आ रहा है आपके पास 10, एम आपका 10 एंड जबकि थीटा कितना है, दैट इज 2.78, क्लियर, तो दोनों अलग अलग है, क्लियर, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, थैंक यू सो मच.